सदर सदर शाह और 6 साल जिस तरह से हमने मेहनत की और हमारी कोशिश ही ये थी कि पाकिस्तान में जो ऐसा टैलेंट जिसको मौका नहीं मिलता और दूर दराज के इलाकों में, जैसे यहाँ तक क्रिकेट का आना बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह से आज शहनशाह अफरीदी ने ये साबित किया कि इस मुल्क में कितना ज़्यादा टैलेंट है, और इस तरह के वालदैन बच्चों को अगर सही तरबियत करके खेलों की तरफ लेकर आएँ तो मज़ीद शहनशाह अफरीदी जो है इस मुल्क में मौजूद हैं, और सारे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको खेलने का मौका दें ताकि अच्छी एक वो शख्सियत बने। शहनशाह अफरीदी को आपने कैप्टनसी दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग है, क्या खसूसियात थी कि आपने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी? देखिए, जो अक्ल होती है या जो टैलेंट होता है ये उम्र बढ़ने से नहीं बढ़ता, या होता है या नहीं होता। तो 2 साल से उसको हम ट्रेंड कर रहे थे एज वाइस कैप्टन, और ये राइट मौका था कि शहनशाह लीड करते, और उन्होंने साबित किया कि उनके अंदर कैप्टेंसी के और लीडरशिप के कितनी क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के लिए कोई सहूलियत नहीं है, लेकिन फिर भी इस मिट्टी ने पाकिस्तान को हर खेल में बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, इस हवाले से बताएं। देखिए, हमने बाजौड़ में ट्रायल्स किए थे 2 साल पहले, और अभी भी हम ये कोशिश करेंगे कि इस इलाके में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएं ताकि जितना भी यहाँ का टैलेंट है वो वहाँ आए, और हर एज का बच्चा जो वहाँ आए ट्रेंड हो, और फिर जो हमारा लाहौर का हाई परफॉर्मेंस है उससे लिंक करें उसको और मज़ीद बच्चों को आगे आने का मौका दें। अच्छा, लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस है, पहले लोग मतलब उनका मजाक उड़ाते थे कि लाहौर कलंदर ये सारे मैच पे मैच हार रहे हैं, अभी मतलब उन्होंने सरप्राइज दे दिया, फाइनल भी जीत लिया, तो इस हवाले से बताए क्या मतलब ऐसा कुछ हो गया कि आपने फाइनल भी जीत लिया? देखिए, उसमें हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। लोग हमें गालियां देते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन हम उस प्रोसेस का के ऊपर काम कर रहे थे। हर चीज़ को टाइम लगता है,
और इससे अच्छा टाइम, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, लाहौर के जो तमाशाई हैं उनके सामने शहनशाह अफरीदी की क़यादत में इस दिन का इंतज़ार था, और वो क्या खूबसूरत दिन आया। अब देखना ये है कि जो गोश्त हमने खाया है इसको हजम होने में कितना टाइम लगता है। राणा साहब, आप शहनशाह अफरीदी के उजरे आए हो, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत फुल महसूस कर रहा हूँ, मोहब्बत से भी और पेट से भी। पीडीपी के बारे में बताइए, जारी रखा फ्यूचर में? देखिए, पीडीपी ही वो ख्वाब था जिसके ऊपर आके भाई पाकिस्तान आए थे, अदरवाइज दुबई में बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। सो वहाँ पे आके उन्होंने नौजवानों को जो चांस दिया, 5 लाख बच्चों से ज़ायद हमने उनके ट्रायल किए, और आप देखें कि जिस तरह आके भाई ने बात की कि प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, बिलीव करना चाहिए अपने प्रोसेस को। और जब जब हमने ये देखा कि जब जब क़यादत हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के एक बच्चे के हाथ में आई, तो उसने ट्रॉफी हमें वापस दवा दी। शहनशाह अफरीदी के नाम से आपने एक स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया है? शहनशाह अफरीदी के नहीं, अंकल के नाम से किया, उनके वालिद के नाम से किया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।